हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड फिफ्थ चैप्टर ऑफ थर्ड क्लास. द नेम ऑफ आवर फिफ्थ चैप्टर इज स्पीडिंग व्हील्स. यू नो कि जो व्हील्स होते हैं वो पहिए होते हैं, ठीक है, जो किसी भी क्या है मशीन के लाइक हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, उन पे लगे होते हैं. स्पीड मतलब वो जो उनकी गति को क्या करते हैं, बढ़ाती हैं. तो स्पीडिंग व्हील्स कैसे डेवलप हुए, ठीक है, इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, उसके बारे में रीड करेंगे हम इस चैप्टर में. कि पहले स्पीडिंग व्हील जो आजकल की व्हील्स हैं उससे पहले कौन से व्हील्स का यूज़ किया जाता था. ओके, लुक एट द फर्स्ट लाइन. अ व्हील लुक्स अ वेरी सिंपल मशीन. जो व्हील होता है वो क्या है, एक बहुत ही सिंपल मशीन की तरह दिखाई देता है. उसकी जो लुक होती है बिल्कुल साधारण मशीन की तरह होती है. बट इट हैज़ बीन द बेसिस ऑफ ऑल मशीन्स. पर ये क्या है, किसका आधार होता है, सभी मशीन्स का आधार होता है. मीन टू से दैट जो मशीन्स होती हैं वो विदाउट व्हील्स के नहीं रह सकती और नहीं चल सकती. एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो भी सभी प्रकार के जो साधन हैं, ठीक है, हमारे ट्रैवल के मीन्स है, जैसे बस, ट्रेन, कार, जिससे भी हम क्या है ऐसे मीन्स जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है, उसे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट. अब देखो मशीन्स किस प्रकार की, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर पंप्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ऑल मूव ऑन व्हील्स. ये सभी किस पे, व्हील्स पे चलती हैं. द कार, द बाइसाइकिल, स्कूटर, कार एंड ट्रेन ऑल मूव ऑन व्हील. जो कार्ट होती है, ठीक है, बैलगाड़ी जो होती है, बाइसाइकिल होता है, हमारा जो साइकिल, ठीक है, स्कूटर, कार, ट्रेन, ये सभी किस पे चलते हैं, व्हील्स पे. मूव होना मतलब चलना, एक स्थान से मूव होना, ठीक है, दूसरे स्थान तक मूव होना, व्हील्स के माध्यम से ही ये जा सकते हैं. इवन एरोप्लेन्स हैव टू रन ऑन व्हील्स फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग. जबकि जो एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, हमारे जो जहाज़ हैं, एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, एयर जो ट्रांसपोर्ट हैं, उन्हें भी क्या है, व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है. कब, जब टेक ऑफ करती हैं, जब लैंड होती हैं. लैंडिंग होना मीन्स जब जहाज़ के लैंड पे उतरती हैं टेक ऑफ करने, तब उनके टायर निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो व्हील्स जो होती हैं उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है. जब टेकिंग ऑफ मतलब जब उसे उड़ान भरनी होती है, ठीक है, तब भी क्या है, व्हील्स के माध्यम से ही उड़ान भरी जाती है. एक बार वो रन करता है लैंड पे, उसके बाद भी उड़ान भरती है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न व्हील, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल लॉन्ग. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था ट्रैवल करना, ठीक है, जब बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न व्हील. जब क्या है, इन्वेंशन नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था किसका, मॉडर्न व्हील का. व्हील्स जो हैं, पहिए हैं जो आजकल हम लगे होते हैं हर साधन में, जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल लॉन्ग. तो दूरी बहुत दूर जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती थी, ठीक है, परेशानी होती थी. लॉन्ग डिस्टेंस पे लंबे जो रास्ते हैं, लंबी दूरी तय करने में, ट्रैवलर्स कैरिड देयर बिलोंगिंग्स ऑन देयर बैक. जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवल्स होता है जो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसे ट्रैवलर्स बोलते हैं. जो ट्रैवल्स थे वो कैरी करते थे, कैरी मतलब साथ में लेके जाना,
देयर मतलब उनकी बिलोंगिंग्स, उनका जो भी सामान था, लगेज था, जो भी उनका सामान होता था, अगर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था तो वो अपनी जो सारा सामान है वो अपनी बैग पे उठा के लेके जाते थे, मतलब अपने कंधे भी रख लेते थे पीछे। वेरी फ्यू देयर फॉर, बहुत ही कम इसीलिए, डेयर टू ट्रैवल, इसलिए बहुत ही कम लोग क्या करते थे, डेयर करते थे ट्रैवल करने के लिए। डेयर मतलब हिम्मत करते थे, साहस, बहुत ही लोग कम कर बहुत ही कम लोग साहस करते ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ट्रैवल ट्रैवलिंग तब क्या थी, डिफिकल्ट थी, क्योंकि लोगों को जब जाना होता था एक से दूसरे स्थान तक तो तब क्या था, कुछ भी साधन थे जो कार बस ट्रक तब डेवलप नहीं हुए थे, इन्वेंशन इनका नहीं हुआ था, तो बहुत ही कम लोग साहस करते थे ट्रैवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाने के लिए हिचकिचाते थे। देन मैन स्टार्टेड टू टैम एनिमल्स फॉर हिज यूज। तो फिर जो मैन है उसने क्या शुरू किया, स्टार्ट कर दिया टैम मतलब पालतू, जो पालना, ठीक है, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया फॉर हिज यूज, अपने यूज के लिए, मतलब कि वो एनिमल एनिमल से क्या कर सके, कोई भी कार्य करवा सके, ठीक है, उन्हें यूज कर सके अपने डेली लाइफ में। थस डंकीज, तो जो डंकीज थे, गधे लाइक, ठीक है, म्यूल्स खच्चर जो होती हैं, हॉर्सेस घोड़े, कैमल ऊंट, ऑक्सन जो बैल होती हैं, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स वर एम्प्लॉयड। तो कौन से जो एनिमल्स को एम्प्लॉयड किया गया था, मीन्स वर्क दिया गया था, एम्प्लॉय मतलब, ठीक है, वर्क देना, वर्क लेते थे उनसे, काम लेते थे, जो डंकीज होते थे, एलिफेंट्स होते थे, ठीक है, क्योंकि ये क्या अपना मतलब जो उनका सामान है, बोझ है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे या फिर उनके ऊपर बैठकर इनसे काम लेते थे। दिस हेल्प ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स टू मूव अबाउट एंड मिक्स विद वन अनदर। इस चीज़ ने क्या है, ट्रेडर्स को, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, ट्रेड होता है व्यापार, ट्रेडर्स व्यापारी, व्यापारी व्यापारी को, और पिलग्रिम्स जो यात्रा करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया, हेल्प की, मूव करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पे और वन अनदर एक दूसरे के साथ मिक्स होने में। मैन मेड अ फ्रेम ऑफ स्टिक्स, प्लेस्ड लोअर्स ऑन इट एंड मेड डॉग्स। जो मैन है उसने क्या बनाया, मेड मतलब बनाना, फ्रेम जो एक प्रकार का फ्रेम बनाया, जो किससे बना हुआ था, स्टिक से बना हुआ था, लकड़ियों से बना हुआ था। प्लेस लोड्स ऑन इट, तो लोड जो होता है, जो भी भारी भरकम लोड था, ठीक है, सामान था, उस पर प्लेस्ड कर दिया, प्लेस्ड मतलब वहाँ पे उस पर रख दिया उसके ऊपर। मेड डॉग्स पुल इट ऑन आइस, तो इससे क्या करते थे वो, सामान रख के, ठीक है, फ्रेम बना के, फ्रेम के ऊपर सामान रख के, तो ये किस पे, फिर डॉग्स पे रख के, और डॉग्स से क्या करते थे, पुल करवाते थे, पुल मीन्स खींचना, डॉग्स से आइस पे खींचते थे। दिस व्हीकल वाज कॉल्ड स्लेज, और ये जो व्हीकल बनाया गया था, ठीक है, फ्रेम था जो लकड़ियों का, स्टिक्स का, उस व्हीकल को जिसे डॉग्स पुल करते थे उसे स्लेज बोलते थे। अ पैक ऑफ डॉग्स वाज यूज्ड टू पुल, अ पैक ऑफ डॉग्स वाज यूज्ड टू पुल अ फेयरली हैवी लोड। कि जो बहुत सारे डॉग्स का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था क्या करने के लिए, हैवी जो लोड था, ठीक है, वो एक डॉग नहीं पुल कर सकता था, तो बहुत सारे डॉग्स को आगे लगाया जाता था, उनके पीछे स्लेज बांध दिया जाता था, अगर ज़्यादा हैवी लोड था, ठीक है, तो डॉग्स को भी, ज़्यादा डॉग्स को लगाया जाता था। लेटर ही फाउंड दैट बाय पुटिंग अ फ्यू राउंड स्टिक्स अंडर अ स्लेज इट वॉज इजियर टू मेक इट मूव। बाद में, दैट मीन्स बाद में, ही फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया, बाय पुटिंग अ फ्यू राउंड स्टिक्स, की कुछ जो गोल स्टिक्स होती हैं, राउंड स्टिक्स होती हैं, वो कहाँ पे, स्लेज के नीचे लगा के, इट विल बी इजी टू मेक इट मूव। तो ये इजी हो जाएगा किसके लिए, स्लेज के लिए मूव होना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा।
This method is used even now when heavy loads have to दिस मैथड इज यूज टू एवन नाउ, ये मैथड जो है ये तरीका अभी यूज किया जाता है वेन हैवी लोड्स हैव टू बी मूव्ड इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, जब जो हैवी लोड्स होता है ठीक है फैक्ट्रीज में, बड़ी फैक्ट्रीज में या ऑफिस में, तो उसके द्वारा भी ये मतलब वो स्लैज बना होता है, स्लैज के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, तो उनके द्वारा ये जो हैवी लोड होता है वो कैरी किया जाता है। द लोड इज माउंटेड ऑन सेवरल राउंड्स राउंड पाइप्स एंड मेड टू स्लाइड ओवर डैम। तो जो लोड होता है वो किस पे रखा जाता है, पोजिशन किया जाता है किस पे, सेवरल राउंड पाइप्स जो गोल पाइप्स होती है उनके ऊपर रखा जाता है, और इसे क्या बना जाता है, उनके ऊपर स्लाइड किया जाता है, खिसका दिया जाता है ठीक है। मीन टू से दैट स्लाइड मतलब उसके ऊपर वो रोल करके क्या नीचे चला जाता है। When the load moves forward, जब load को forward मतलब आगे की ओर move कर देते हैं, it leaves behind the pipes, और जो pipes होती हैं वो क्या है पीछे मतलब उन pipes के ऊपर load रख देती हैं ठीक है, और वो pipes जब घूमती हैं तो जो load है वो नीचे चला जाता है, pipes ऊपर रह जाती हैं। They are picked up and again placed in front under the load, तो वो pipes फिर दोबारा क्या की जाती हैं, दोबारा फिर pick किया जाता है ठीक है, pipes को पाइप्स पीछे होती हैं, लोड दोबारा फिर वो यही मतलब जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं अगेन एंड अगेन कि पाइप्स पे लोड रख दिया, फिर इस प्रकार क्या है जो हैवियर लोड है वो ढोते हैं। थस इट इज थस इट इज केप्ट मूविंग, तो ये इस प्रकार कैसे मूव करते रहता है। बट दिस मेथड कैन बी यूज ओनली फॉर मूविंग लोड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, बट इस प्रकार का जो मेथड है तरीके है वो किस में यूज किया जा सकता है, किस में उपयोगी है, सिर्फ मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में हमें लोड मूव करना है उसमें ही इजी है। मोर ओवर इट इज स्लो प्रोसेस, और ये क्या है स्लो भी है, प्रोसेस बहुत ही स्लो है, मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अर्ली मैन मस्ट हैव यूज राउंड स्टिक्स कट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू स्लाइड लोड ओवर, जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, क्या यूज करते थे, राउंड स्टिक यूज करते थे, गोल जो स्टिक होती थी किससे कट करते थे वो ट्रीज से, ब्रांचेस से, ब्रांचेस मीन्स जो टहनियाँ होती हैं, कट करना मतलब काटना, टू स्लाइड लोड ओवर, उनके ऊपर क्या है लोड को लादने के लिए, स्लाइड करने के लिए। लेटर सम अननोन जीनियस मस्ट हैव कट टू राउंड डिस्क, तो बाद में कुछ जीनियस जो अननोन जीनियस थे ठीक है, जिनका हमें नाम नहीं पता, अननोन होता है जिनको हम जानते नहीं, तो जीनियस कुछ विद्वान जिन्होंने ऐसी सोच रखी ठीक है, ऐसा कुछ इन्वेंट किया, उन्होंने क्या है दो राउंड जो डिस्क काट ली ठीक है गोल गोल, फ्रॉम द थिक ट्रंक ऑफ ट्री, ट्रंक होता है जो मेन जो तना होता है ठीक है पेड़ का, मेन जो ब्रांच होती है उसे ट्रंक बोलते हैं, उससे क्या है गोल जो थिक मोटी मोटी जो लकड़ी गोलाकार काट ली, ही मेड होल्स थ्रू देयर सेंटर्स, और उसके सेंटर में क्या है में छेद कर दिए, बीचों बीच सेंटर मतलब बीच में होल्स मतलब छेद करना। He then fitted them to either end of a strong rod forming an axle, उससे क्या है दोनों मतलब वहां पे एक क्या चीज कुछ वहां पे फिट कर दिया ठीक है, फिक्स कर दिया उनके एक रोड फिक्स कर दी दोनों के एक्सल में ठीक है, उसे एक फिक्स जगह पे रखते हुए ठीक है। Thus the wheels could turn round freely about the axle. तो क्या था?
जो व्हील्स थे एक्सल, मतलब अपनी दूरी पे क्या कर सकते थे, अच्छे से इजीली फ्रीली क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे, टर्न कर सकते थे, ऐसे मुड़ सकते थे, ठीक है। एंड वी विल रीड टुमारो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर। थैंक यू।